हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे और ये दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ओके तो ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। और कंडीशन देखो, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3 और नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 दिया है, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 बैठा होगे तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा और किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड टर्म बनेगा। यहाँ पे भी x का मान 1 अपॉन 3 दोगे तो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए आपको एक कंडीशन दे दिया कि ये वैल्यू x का मान नहीं होगा। कंडीशन क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए दिया होता है। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं लेट 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 को हम y मान लेते हैं। ओके तो ध्यान देंगे, इसका अगर आप रिसिप्रोकल करोगे तो देखो, रिसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 2x अपॉन 3 और 3x माइनस 1 बराबर 1 अपॉन y हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसके जगह पे हम y को पुट कर सकते हैं और इसके जगह पर 1 अपॉन y को पुट कर सकते हैं। देयरफॉर 3 इंटू y माइनस 2 इंटू 1 अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब आप क्या करो, 3y माइनस 2 अपॉन y बराबर 5, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो y हो जाएगा, तो ये 3y स्क्वायर माइनस 2 बराबर 5 होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या करेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 2 बराबर 5y, 5y को आप राइट से लेफ्ट में ले आओ तो 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। देखो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 जा माइनस 6 है तो यहाँ पे माइनस 5 है, तो क्या करोगे, 3y स्क्वायर और प्लस y में से 6y को घटा देते हैं, ठीक है ना, माइनस 2 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे y कॉमन लोगे तो 3y प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लोगे तो 3y प्लस 1 बचेगा बराबर 0। तो ये 3y प्लस 1 बाहर करोगे तो y माइनस 2 बराबर 0 बचेगा। अब क्या करो, यहाँ से y का मान निकाल लो, इसलिए 3y प्लस 1 बराबर 0 एंड y माइनस 2 बराबर 0। तो देखो y का मान आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो अब देखो, अब हम बारी बारी से क्या करेंगे कि जब y का वैल्यू माइनस 1 बाय 3 रहेगा तो इसे हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि x निकल सके। तो देखो, वेन y बराबर माइनस 1 अपॉन 3, देयरफॉर 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 बराबर माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू 3x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, तो ये 3 3 जाए 9x माइनस 3 माइनस 2x और ये माइनस 3 होगा, तो 9x ये प्लस 2x इधर माइनस 2x इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस 3 और ये देखो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 राइट साइड जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, तो 11x बराबर 0, इसका मतलब x का मान क्या होगा, 0, क्योंकि 11 जीरो हो नहीं सकता है तो x का मान 0। अब देखो, वेन y का वैल्यू हम अगर 2 कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 बराबर 2 अपॉन 1 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 1 बराबर 2 इंटू 2x प्लस 3, तो ये 3x माइनस 1 बराबर 4x प्लस 6। अब इसे आप क्या कर सकते हो, 3x माइनस 4x कर दो और ये 6 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस x बराबर 7, तो x का वैल्यू माइनस 7 आएगा। तो देखो x का दो वैल्यू निकला 0 एंड x का वैल्यू कितना निकला, माइनस 7। ओके तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो x 0 कॉमा माइनस 7। इस तरीके से हम सवाल को बनाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन 2 इसका देखते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिया होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। क्वेश्चन 2 देखो, फिर से यहाँ पे दिया है 3 इंटू 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 माइनस 4 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 1 बराबर 11 दिया है, ठीक। इसे हमें सॉल्व करना है तो हम फिर से मान लेंगे लेट 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई मान लो। फिर से देखो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 5x माइनस 3, 7x प्लस 1 नीचे आएगा और ये y हो जाएगा 1 अपॉन y। तो आप क्या करोगे, इसके जगह y रखोगे और इसके जगह 1 अपॉन
वाई, देयरफॉर 3y-4 (1/y) बराबर 11। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3y-4/y बराबर 11 एलसीएम लेंगे, तो y एलसीएम हो जाएगा, तो 3y² होगा -4 बराबर 11, तो 3y² - 4 बराबर 11y। ओके, तो देखो 3y² - 11y - 4 बराबर 0। फिर देखो 4 3 12 -12 आ रहा है, तो एक में से 12 को घटाएंगे तो देखो -11 आ जाएगा ना, तो 3y² + y - 12y - 4 बराबर 0। तो y कॉमन ले लो तो 3y+1 बचेगा, और -4 कॉमन ले लो तो 3y+1 बचेगा। 3y+1 दोनों तरफ बाहर करोगे तो ये y-4 बराबर 0 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे y का दो वैल्यू निकलेगा, इसलिए y का मान 1 -1/3 हो जाएगा इससे, और एक y का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, जब y का वैल्यू -1/3 आएगा तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे। When y is equal to -1/3, therefore 7x+1 / 5x-3 बराबर -1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 3 × 7x+1 और ये हो जाएगा -1 × 5x-3। ठीक है, तो ये देखो 7 × 3 = 21x + 3 - 5x और ये +3 हो जाएगा। x को आप एक तरफ ले आओ तो 21x + 5x = 3 - 3, तो ये तो 26x हो जाएगा बराबर, देखो 0 हो गया। ठीक है, तो x का फिर से मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 26 0 हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू 0। अब फिर से क्या करोगे, when y बराबर 4, therefore 7x+1 / 5x-3 बराबर क्या होगा, 4, इसके अपन में 1 भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 7x+1 = 4 × 5x-3, तो 7x+1 = 20x - 12 हो जाएगा। अब क्या करो आप 20x को इधर ले आओ तो 7x - 20x = -12 - 1, तो ये हो जाएगा देखो बच्चों -13x = -13, तो x = -13/-13, ये हो गया 1, इसलिए x का दो वैल्यू निकला 0, 1। तो इस तरह से हम लोग ऐसे सवालों को बनाते हैं। ओके, थैंक यू।